और आपका अपने YouTube चैनल श्री टाइम्स में स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी एक एपिसोड जो है महासभा। तो आइए आज जानते हैं हम लोग महासभा में कि जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो कौन कौन सी आई है। तो उनमें से एक जो अपडेट्स आई है आपकी, वो आपकी DLED से रिलेटेड आई है, और एक आई है आपकी जो बेसिक शिक्षा से रिलेटेड आई है, और एक अपडेट्स आई है आपकी जो है वो भी DLED से रिलेटेड आई है, जो नया एडमिशन होने वाले हैं उनके बारे में। तो चलिए अपना जो न्यूज़ है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कई दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना पाया था, तो जो जो अपडेट्स आई हैं उसकी अपडेट्स मैं आपको आज देता जाऊँगा, जो जो अपडेट्स अभी तक हुए हैं एक वीक के अंदर। तो अभी एक जो लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, उसमें ये दिखा रहा है कि जो DLED के बैक पेपर होने थे या एग्ज़ाम्स होने भी थे वो उनकी डेट्स जो है वो बढ़ गई है। आपका जो थर्ड सेमेस्टर के जो बैक पेपर है वो 21, 22, 23 सितंबर को दिखा रहा है, और DLED की जो चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर हैं वो 27, 28 जो फ्रेश भी होने हैं और जो बैक भी होने हैं वो 27, 28, 29 सितंबर को दिखा रहे हैं। और शायद इसकी संभावित, अभी ये संभावित है, अभी ये कंफर्मेशन नहीं है इसके बारे में कि ये ऐसा ही कुछ होगा। तो इसके जो फॉर्म है वो संभावित हो सकता है कि 11 सितंबर से आपके भरे जाएं। एक तो आपकी ये अपडेट थी, और इसके बाद आपकी जो सेकंड अपडेट है वो आई है, जो अभी 3-4 दिन 5 दिन पहले जो अभी CM योगी जी बोले थे, जिस बारे में जो CM ऑफिस से मतलब आया था कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए UP गवर्नमेंट द्वारा सतत नियोजित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जो वैकेंसी निकालने की बात कही थी, जिसके लिए उन्होंने अपना एक 3 सदस्यों की समिति गठित की थी कि मतलब बेसिक शिक्षा में कितने पद रिक्त हैं, इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए उन्होंने जो निकाला था, एक ये अपडेट्स है कि अब वो हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, आप भी इंतजार कर रहे थे, हम भी इंतजार कर रहे थे, तो जो बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए हो सकता है कि हो। अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सितंबर चल रहा है, मिड सितंबर होने वाला है, नोटिफिकेशन अभी UPTET की आई नहीं है। मिनिमम अगर डेट चलेगी भी तो करीब 20 दिन की चलनी चाहिए, अगर फॉर्म चलाएंगे जिस हिसाब से वो फॉर्म उन्होंने पेट का निकाला, सिर्फ 20 दिन के लिए किया, तो हो सकता है मिनिमम अगर 20 दिन के लिए भी निकालेंगे तभी कम से कम 2 से 3 महीने चाहिए, 3 महीने मतलब नवंबर से दिसंबर तक का टाइम चला जाएगा। उसके बाद अगर आप सुपरटेट निकालते हो तो फिर आपका जाएगा 2 महीने, मिनिमम 2 से 3 महीने, जनवरी फरवरी ले, और मार्च में करीब करीब होने थे, हो पिछली बार इलेक्शन हुए थे, तो क्या इस बार भी अगर मार्च फरवरी में इलेक्शन हुए थे 2017 में, मार्च के करीब रिजल्ट आ गया था शायद, तो अगर उस हिसाब से ये कंडक्ट कराएंगे तो उस हिसाब से तो ये कैसे कर करा पाएंगे। अभी तो सबसे बड़ी सोचने का विषय ये है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जो भी होगा हम लोग एक दूसरे को बताएंगे, पता चलता रहेगा। आइए इसके बाद ये देखिए पेपर में भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं यूपी में जल्द हो सकती है बेसिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती, योगी सरकार ने बनाई 3 सदस्यीय टीम। तो जो योगी जी की उससे बोला गया था ट्विटर हैंडल से ऑफिशियल, उसके बाद इसे अगले दिन पेपर में भी निकाला गया था 3 सितंबर को, आप देख सकते हो ये 3 सितंबर के पेपर में आया हुआ है कि यूपी में जो है जो खाली पद हैं, भाई हो सकता है खाली पद हैं, अभी तक तो हमें सुनने में आ रहा था जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं वो तो कह रहे थे खाली पद है ही नहीं, हमारे पास तो सरप्लस में टीचर हैं, बच्चे हैं ही नहीं। भर्ती कब आ रही है? ये महिला को जगह दी गई है। प्राथमिक शिक्षा भर्ती कब आ रही है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 4 साल में 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती की है, आज प्रदेश का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है, शिक्षक भर्ती हमेशा छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए आवश्यकता के आधार पर होती है, जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो भर्ती होगी। धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण हो सकता है भाई खाली पद हो, हम तो मानते हैं, हम तो मनाते हैं कि भैया खाली पद हो, बिना खाली पद के कैसे काम चलेगा, जो 25 लाख किए बैठे हैं TET CTET सब क्वालिफाई किए बैठे हुए हैं, जो नए बच्चों का एडमिशन हो रहा है, और तो कैसे वो कैसे उनके फल वो क्या करेंगे, BTC करने के बाद, DLED करने के बाद, BEd करने का सब बेकार, बैठे रहेंगे घर पे TET CTET क्वालिफाई चाय वाले। फिर उसके बाद चलो एक यही एडमिशन से भी रिलेटेड एक खबर आई है, एडमिशन से रिलेटेड खबर आई है, ये देखिए आप यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे पहले इसकी डेट थी आई थिंक, पहले इसकी डेट 10 तारीख तक की थी, 10 तारीख तक इनके 20 दिन पूरे हो रहे थे,
फिर उन्होंने 10 अगस्त से बढ़ा करके इसको 30 अगस्त तक कर दिया, तब भी इनके पद इतने रिक्त बच गए कि अब इनको इसकी डेट फिर बढ़ा के 15 सितंबर तक करनी पड़ी है। तो भैया भाइयों और बहनों, जिसको भी करना हो, जिसको भी डीएलएड या बीटीसी करना हो अभी भी, वो आराम से जाए, 15 तारीख तक डेट है, आराम से करे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये भी एक डिग्री है, आप ले सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। बाकी वैकेंसी के लिए तो फिर अभी आपसे पहले वाले ही पढ़े हैं, पहले उन्हीं को देख लेने दीजिए कि आती है कि नहीं आती है। बाकी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 तारीख तक डेट बढ़ गई है, जिसको भी भरना हो आराम से भर ले, अभी भी टाइम है, करीब 7 दिनों का, आराम से फिल कर लीजिए। बाकी अगर जो जो भी अपडेट्स आएगी उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, अब हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।